दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, पंखुड़ी मैगी। ये पंखुड़ी मैगी झटपट तैयार हो जाती है और इसके लिए आपको बाजार से कुछ भी नहीं लाना है। जो भी घर में सामान उपलब्ध है उसी से आपकी ये पंखुड़ी मैगी तैयार हो जाएगी और आपके बच्चों को गर्मा गर्म पंखुड़ी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये पंखुड़ी मैगी आटा और किसी भी सब्जी को मिलाकर आप बना सकते हैं और इसका स्वाद मैगी से कम नहीं है और इससे किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुँचेगी। देखिए ये पंखुड़ियाँ किस प्रकार से तैयार करी है मैंने। चलिए बनाते हैं पंखुड़ी मैगी। पंखुड़ी मैगी के लिए मैंने, जैसे हम रोटी या पराठे का आटा तैयार करते हैं, ऐसे आटा तैयार करके मैंने दो बाउल बना लिए हैं और इस दो बाउल से मैंने दो चपातियाँ बेल ली हैं गोल गोल। ये देखिए, एक दो चपाती की ये पंखुड़ी मैगी तैयार करेंगे। पहले एक चपाती में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, इसके ऊपर मैंने दूसरी चपाती रख दी है। अब इसे थपथपाकर फिर से मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। तेल लगाने के बाद अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। देखिए आप, मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से हम घुमा घुमा कर इसे रोल करेंगे और रोल करने के बाद हम इसमें इसे इस तरह से रोल करने के बाद अच्छी तरह से इसकी कटिंग करेंगे पंखुड़ियों के रूप में। अब धीरे धीरे मैं चाकू से छोटी छोटी पंखुड़ियाँ तैयार कर रही हूँ। आप देखिए, ये आटे से अलग अलग पंखुड़ियाँ काट रही हूँ। इसी प्रकार मैं आटे की सभी पंखुड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने आटे की सभी पंखुड़ियाँ तैयार कर ली हैं और ये देखिए आप, बीच में इस में अगर हम फोक डालेंगे या चम्मच डालेंगे तो अपने आप पंखुड़ी निकल जाएंगी। अब मैं पंखुड़ियों को भाप दूंगी। इसके लिए मैंने छोटे डेग में पानी रख लिया है और पानी गर्म होने के बाद जो भाप बनाएगा उसके लिए मैंने इडली बनाने का खांचा रख दिया है। मेरी दो ही चपाती की पंखुड़ियाँ थी तो इस खांचे में ये प्रॉपर ढंग से स्टीम हो जाएंगी और इसमें अब मैं ढक्कन लगा के 2 मिनट इसे स्टीम दूंगी। दो मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब पंखुड़ियों के ठंडा होने तक मैंने ये फ्रेंच बीन, थोड़ी प्याज और टमाटर को साफ पानी से धो के चॉप कर लिया है। अब मैं इसे गरम कढ़ाई में इसका तड़का लगाऊंगी। गरम कढ़ाई ले ली है और इस लोहे की कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। इस गरम तेल में मैंने प्याज और फ्रेंच बीन डाल दिया, थोड़ा हींग भी इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा मसाले मिलाएंगे। और यहाँ पर देखिए आप, मसाले आप अपनी मनपसंद ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ा हल्दी ली है, यहाँ गरम मसाला है और चटपटे स्वाद के लिए लाल मिर्च है और मीठे स्वाद के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी मिला दी है और टेस्ट के अनुसार आप नमक मिला देंगे। अब इसे हल्का सौटे करेंगे, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है और जब थोड़ा सा पक जाता है तो इसमें हम ये चॉप्ड टमाटर भी मिक्स करके सौटे करेंगे। सब्जियां और टमाटर में मसाला मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ये जो स्टीम्ड पंखुड़ियाँ थी इसको हम डाल देंगे और हम थोड़ा सा इसे एक मिनट ढक्कन लगा के पकाएंगे ताकि जो हमने मसाला डाला है वो सब्जी और पंखुड़ियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बीच बीच में इसको थोड़ा सा चला देंगे। अब हम चेक करते हैं ढक्कन निकाल कर। यहाँ पर हमारा पंखुड़ी मैगी मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप देखिए दोस्तों, किस तरह से पंखुड़ियाँ मेरी अलग अलग हो रही हैं और यही पंखुड़ी मैगी है जिसे अब मैं गर्मा गर्म बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ। दोस्तों, गर्मा गर्म पंखुड़ी मैगी बनकर तैयार है। ये पंखुड़ियाँ देखिए आप, फर फर किस तरह से स्पून लगाने पर अलग अलग हो रही हैं। ये पंखुड़ी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये पंखुड़ी मैगी आप सॉस के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये पंखुड़ी मैगी ऊर्जा से भरपूर, पौष्टिकता
और यहाँ तक कि झटपट तैयार हो जाती है। रोज़ रोज़ तो आप पराठे खिला के बच्चों को बोर कर देंगे। तो ये पंखुड़ी मैगी आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये पंखुड़ी मैगी आप अवश्य ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। धन्यवाद।